फ्लैश ओविन मेडल इवेंट जो कि एक दो दिन में स्टार्ट होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग गाइस यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसके रिवॉर्ड्स क्या होंगे। मैसिव रिवॉर्ड जस्ट लाइक इक्विपमेंट मिलेगी या फिर हीरो स्किन मिलने वाली है, विदाउट इवेंट पास के आप लोगों को कुछ मिलेगा, सारी चीजें गाइस यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चल जाएंगी। एंड अगर आप लोग ऐसे फ्यूचर में भी अपडेटेड रहना चाहते हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गाइस यहाँ पे इसके ड्यूरेशन से। तो इसका ड्यूरेशन ये रहने वाला है, तो ये 11 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी और 31 तक के रहने वाली, मतलब टोटल 20 दिन का इवेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें सिंपली आप लोग को अदर बेसिस पे अटैक करना पड़ेगा मल्टीप्लेयर में, जिससे आप लोग को सावर एलिक्सर मिलेगा। उस सावर एलिक्सर को आप लोग मेडल्स में कन्वर्ट करके आपने जो भी रिवॉर्ड चाहिए वो परचेस कर सकते हो। F2P प्लेयर्स की बात करें तो वो कोई एक मैसिव आइटम परचेस कर पाएंगे, वो कोई डेकोरेशन भी हो सकती है और कोई हीरो स्किन भी। अगर आप लोग सारे रिवॉर्ड्स लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे इवेंट पास तो आने ही वाला है, तो वो आप लोग को परचेस करना पड़ेगा। बात करें अगर हम लोग मैसिव रिवॉर्ड्स की, तो उसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा चांसेस अभी फ़िलहाल इक्विपमेंट के चल रहे हैं, इक्विपमेंट के और डेकोरेशंस के। डेकोरेशंस भी इस बार काफ़ी तगड़ी आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन ये निकल के आ रही है कि हम लोग ग्रैंड वार्डन की एक पपेट एबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि एज यू नो जितने भी हीरोज हैं सबके पास उनकी एक पपेट एबिलिटी है एक्सेप्ट ग्रैंड वार्डन। तो इस इवेंट में आप लोग उसकी ये एबिलिटी परचेस कर पाओगे। बाकी इवेंट ट्रैक के दौरान आप लोग को क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो बताने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक एम हम लोग रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 70 लाइक्स का, फटाफट से कंप्लीट करा दो। तो उसमें आप लोग को ओर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, शाइनी ग्लो स्टारी जितने भी ओर्स है वो आप लोग को मिल जाएंगे। रिसोर्सेज आप लोग को आई थिंक सो सिल्वर ट्रैक में मिलेंगे, गोल्डन ट्रैक में अच्छे अच्छे मैजिक आइटम्स मिल सकते हैं एंड मैजिक स्नैक्स भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम का एग्जाम पे ट्रेजर हंट जो है खत्म हो चुका होगा। हीरो स्किन कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग को हीरो स्किन भी मिल सकती है, तो ऐसा नहीं है अभी तक। तो फिलहाल कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कोई एक हीरो स्किन आप लोग को मिलने वाली है, बट स्टिल इक्विपमेंट एंड डेकोरेशंस वगैरह है तो उसमें खुश रहो। एंड पिछली बार के मैडनेस इवेंट की तरह इस बार भी हम लोग को न्यू टेम्परेरी ट्रूप्स मिलने वाले हैं। तो हेलोवीन बेस्ड जितने भी सीजनल ट्रूप्स हैं वो आप लोग को उनका कमबैक देखने को मिल सकता है, एंड उसी के साथ साथ कुछ नए सीजनल ट्रूप्स भी आने वाले हैं मिनियंस रिलेटेड, तो वो सभी आप लोग इस इवेंट के दौरान यूज़ कर पाओगे एंड दे आर रियली गुड। इसके बाद फिर गाइस यहाँ पे आप लोग को टेम्परेरी बूस्ट भी देखने को मिल जाएगा, जस्ट लाइक ट्रेनिंग और रिसोर्स बूस्ट, जो कि हमेशा गाइस यहाँ पे किसी ना किसी मेडल इवेंट में मिल ही जाता है। तो इतनी कुछ कन्फर्म चीज़ें हैं जो कि इस बार के मेडल इवेंट में आप लोग को देखने को मिलेंगी, और भी एडिशनल अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं ज़रूर आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा थ्रू माई वीडियोज़। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना करो। एंड इसके अलावा एक परमानेंट ट्रूप भी आने वाला है, इसकी भी ऑफिशियल हिंट हम लोग को देखने को मिल चुकी है, तो वो जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड ऑल सेट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आप लोग को अगली वीडियो में।